हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि सर्कट कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम सर्कल लेते हैं, जैसे ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ये एक रेसिस्टर ले लो, यहां एक रेसिस्टर ले लो, यहां एक रेसिस्टर ले लो, यहां एक बैटरी लगी हुई है और यहां एक बैटरी लगी हुई है। सपोज कीजिए मेरे पास सर्किट है, ये 6 ओम का रेसिस्टर है, ये 3 ओम का रेसिस्टर है, ये 3 ओम का रेसिस्टर है और इधर मान लीजिए 15 वोल्ट और 30 वोल्ट की बैटरी है। तो मुझे ये पूछा जाता है इस सर्किट में कि फाइंड द करंट थ्रू दिस ब्रांच बी और डी में, मुझे करंट निकालनी है। दिस इज द सर्किट और बी और डी में मुझे करंट बतानी है। तो देखो एक मैंने आप एक तो तरीका होता है जो आपका किरचोप्स लॉ वाला। तो पहले मैं किरचोप्स लॉ वाला कंसेप्ट आपको समझा देता हूं। देखिए किरचोप्स लॉ में आपको पता है कि यहां पर केवीएल लगाना है, किरचोप्स वोल्टेज लॉ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लीजिए ये बैटरी है, इस बैटरी से मान लीजिए मैं करंट निकालता हूं I1। याद रखना ये कंसेप्ट बने कि किसी भी बैटरी से मान लो अगर आप करंट निकाल रहे हो, जितनी करंट निकाल रहे हो उतनी ही उसके अंदर आपको डालनी है। ये आप फार्मूला याद रखे। अब मान लो यहां से I1 गिर, इसमें कितने करंट चलेंगे I1, यहां भी आ गया आपकी I1। अब मान लो ये बैटरी है, इसमें मैं करंट निकालता हूं सपोज कीजिए I2। तो क्या होता है जितनी करंट बैटरी से बाहर निकलेगी उतनी ही उसके अंदर एंटर करेगी। तो यहां से करंट आ गया आपकी I2। अब मान लो कि यहां से जो करंट जा रही है वो सपोज कीजिए आपकी I3 है, सपोज कीजिए कि ये I3 है और ये आपकी I3 बन जाएगी I1+I2। अब मुझे एक याद रखना कि ये मैंने माना अज्यूम किया है कि ये I3 करंट इधर आ रही है। तो अगर तो ये I3 करंट का आंसर प्लस में आता है तो इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शन मानी है बी से डी वाली वो राइट है, मतलब कि बी हाई पोटेंशियल होगा और डी लो पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर मैं जब सॉल्व करता हूं तो करंट की जो डायरेक्शन है I3 वो माइनस में आती है, इसका मतलब जो मैंने करंट अज्यूम की है, डायरेक्शन करंट की अज्यूम की है, वो आपको गलत अज्यूम की है, उसका आपने अपोजिट मान लिया। यहां पर I3 का आंसर -5 आता है तो समझ लेना कि ये करंट ऐसे नहीं बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहले हम एक नामकरण कर लेते हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसका नाम ई और एफ ले लीजिए। सबसे पहले कीजिए अप्लाई KVL टू लूप ABDFA, ABDFA इस लूप में KVL अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले देखिए मैं जा रहा हूं A से B और रास्ते में करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आएगा आपका -6। वोल्टेज ड्रॉप निकालना आता है, यहां पर ओम सा लगाना है, V इज इक्वल टू IR। तो करंट इसमें कितनी चलेगी I1 और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का। अब यहां से यहां आओ तो यहां से यहां देखिए करंट कितनी है आपकी, इसका I1 + I2 करंट आ गई यहां से और ये भी माइनस में आएगी। क्यों माइनस में आएगी, क्योंकि हम भी इधर जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी मैंने इधर ली है। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 3। अब इधर आओ, ये देखो एफ से ए आओगे तो आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चले। जब भी हम लो से हाई चलते हैं तो आपकी वोल्टेज है वो प्लस में रहनी है, मतलब बढ़ जाएगी वोल्टेज, तो आएगी 15 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, -6 I1 -3 I1 -3 I2 + 15 = 0। यहां से आएगा ये I1 और I1 कितने हो गए -9 I1 -3 I2 = -15। इधर कर लो, यहां से देखिए आप माइनस कॉमन ले लो, बन जाएगा 9 I1
प्लस 3 I2 इज इक्वल टू 15। तो इसमें कॉमन में निकल सकता 3 का, तो बन जाएगा 3 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। ये आप बना ला आपने फर्स्ट इक्वेशन। ये अब यहां पर मुझे कम से कम दो जितने वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशंस बनानी है। मालूम मैंने यहां पर कितने करंट बनाई है I1 I2, तो इसका मतलब मुझे दो इक्वेशन बनानी। अगर तीन करंट होंगे तो तीन इक्वेशन बनाओ। तो देखिए यार, आप अप्लाई कीजिए यहां पर अप्लाई KVL टू लूप BCEDB। ये देखो BCEDB इस लूप पे अप्लाई कीजिए। लॉजिक वही है, हम जा रहे हैं B। ये जो लिखता हूं जिनको हम लूप लिखते हैं, जैसे हमने लिखा BCD, इसका मतलब हम इसी रास्ते से चलेंगे। अब आपने चेंज नहीं करना है रास्ता। B से C जाओगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगी, तो इसका आएगा प्लस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब C से भी आओगे तो आगे हाई से लो पोटेंशियल, तो -30 वोल्ट। और इधर से चलोगे ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हम चाह रहे हैं करंट को, प्लस आ जाएगा प्लस 3 I1 प्लस I2 = 0। सॉल्व कीजिए, I1 वाले टर्म पहले लिख लो 3 I1, ये देखो ये 3 I2 है और ये भी 3 I2, ये बन जाएगा 6 I2। -30 है, इसको उस साइड ले लो 30 हो जाएगा। 3 कॉमन यहां से निकालेंगे, I1 प्लस 2 I2 = 10। ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब जो आपको 9-10 से पढ़ा हुआ कि हम इसको सब्ट्रैक्शन और एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर है 3 I1 प्लस I2, यहां पर I1 प्लस, किसी एक को आप हमें करंट निकालनी है यहां से, कोई भी एक चीज आप सेम कर लो। मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 3 वी गेट, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं क्या बन जाएगा 3 I1 6 I2 = 30। तो ये वाली जो इक्वेशन थी इसको लिखो 3 I1 प्लस I2 = 5। सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखो ये सब्ट्रैक्ट करो ये कट जाएगा, 6 में से 1 क्या 5 I2 = 25, I2 आपकी निकल जाएगी 5। तो कहने का मतलब है कि I2 करंट जो है ये मेरे पास निकली 5। अगर I2 निकल गई है मेरे पास तो फिर मैं I1 निकाल सकता हूं। आप क्या कीजिए, सिंपल I2 की वैल्यू यहां पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो आपको निकल जाएगी I1 प्लस 2 × I2, ये बन जाएगा 10 = 10, तो I2 बन जाएगी 0। तो कहने का मतलब है कि ये I2 आपका आंसर आ जाएगा 0, I1 करंट आएगी 5 एम्पीयर, और इसके बीच में से जो करंट चलेगी वो आएगी I1 प्लस I2, मतलब 5 प्लस 0। तो ये जो करंट आएगी मेरी वो निकलेगी 5 एम्पीयर। और क्योंकि ये आंसर प्लस में आया है, इसका मतलब है कि ये वाला जो पोटेंशियल है जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम की थी वो सही थी, तो ये प्लस ही रहेगा और ये हाई वोल्टेज रहेगी, ये लो वोल्टेज रहेगी और करंट हमेशा ऐसे ही चलेगी। तो ये तो तरीका हो बच्चों आपको कि किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाना है। तो इसी सर्किट को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में टाइम कम होता है MCQ करने में, तो उसमें आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हो जो इजी मेथड से। तो इसी सर्किट को हम आप दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। वो मेथड क्या है पहले आप ये समझ लीजिए, उसको अप्लाई करने से पहले उसको हम बोलते हैं अर्थिंग मेथड। दोबारा से यही सर्किट बना लेता हूं, अर्थिंग मेथड। ये देखिए ये 6 एम्पीयर का है, सॉरी 6 ओम का रेजिस्टर है, ये 3 ओम का रेजिस्टर है, ये भी 3 ओम का रेजिस्टर है। यहां पर आपने बैटरी लगा दी है 15 वोल्ट की, और यहां पर थी आपकी 30 वोल्ट।
तो इसी मेथड को हम आप यही सर्किट सॉल्व करेंगे अर्थिंग मेथड से। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी एक जंक्शन को, जब ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको नोड्स बोलते हैं। किसी भी नोड को आप क्या कीजिए, अर्थ कर दीजिए। अर्थ का मतलब है उसको जीरो वोल्ट दे दीजिए। मान लो मैं यहां पर देता हूं इसको जीरो पोटेंशियल, इसको मैं अर्थ कर देता हूं यहां से, ये पॉइंट हो गया आपका जीरो वोल्ट। अब मुझे न्यूमेरिकल में क्या निकालना था, मुझे निकालना था कि ये वाली करंट। अब ये करंट देखो, ये करंट कैसे निकल सकती है, अब ये करंट मुझे तभी निकल सकती है अगर मुझे इस पॉइंट की वोल्टेज पता हो। मुझे तो बाकी कुछ करना ही नहीं, क्योंकि मुझे जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहले आपको छोटा सा कंसेप्ट समझा दूं, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए ये मेरे पास एक रेसिस्टर है, सपोज करो यहां पर वोल्टेज वी वन है, यहां पर वोल्टेज वी टू है। ओम्स लॉ पहले समझिए कैसे अप्लाई करना है। ये दो पॉइंट्स की वोल्टेज वी वन वी टू है, और यहां से करंट जा रही है आपकी आई। समझ लो कि जहां अगर करंट इधर से इधर जा रही है, तो ये वाला जो वोल्टेज होगा वो हाई पोटेंशियल होगा, और ये वाला जो पोटेंशियल होगा वो लो पोटेंशियल होगा। अगर करंट यहां से यहां चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट जो है वो हाई वोल्टेज पर है, और ये वाला पॉइंट जो है वो लो पोटेंशियल पर है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट होगी, देखो वी इज इक्वल हम आई आर लिखते हैं, वहां बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं वी क्या है, ये है, ये है, ऐसा नहीं लेना है। वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर आएगा, और आई आर का निकल जाएगा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन दिस रेजिस्टेंस। ये आपको फॉर्मूला मैंने याद रखना पड़ेगा, ओम्स लॉ लगाना कैसे। अब यहां पर देखिए, अगर ये एक पोटेंशियल तो है, अब दूसरा पोटेंशियल नहीं मुझे पता, तो दूसरा पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे यहां पर ए तो लिखा गया था, जैसे मैंने किरचॉफ सा लगाया। मैं मान लेता हूं कि यहां पर लेट करो कि वोल्टेज आपकी वी है, सपोज करो कि मुझे अननोन वोल्टेज है, ये मुझे निकालनी है। तो मैंने अर्थिंग वाला कंसेप्ट लगाया, इस पोटेंशियल को मैंने कर दिया जीरो, ठीक है। अब यहां पर जो करंट निकलेगी वो कैसे निकलेगी, वी माइनस जीरो अपॉन थ्री करंट। मान लो यहां पर करंट चल रही है आपकी आई थ्री, आई थ्री किसके बाद होगी, वी हाई पोटेंशियल करंट यहां से यहां ले रहा हूं, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन रेसिस्टर हो गया थ्री। तो मुझे सिर्फ वी की वैल्यू निकालनी है, वी मुझे फाइंड करना है कितना होगा। तो देखो यहां पर क्या करना है आपको, ये देखिए ये जीरो वोल्टेज है, ये यहां पर वायर लगी होगी ना, सिंपल वायर लगी होगी, कोई रेसिस्टर नहीं होगा, तो वहां पर वोल्टेज सेम रहते हैं, ये जीरो है, ये भी जीरो वोल्टेज होगा। अब यहां पर एक लॉजिक समझिए, ये बैटरी है, बेशक इसकी पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है, बैटरी की वोल्टेज कितनी है 15 वोल्ट, लेकिन अब मैंने क्योंकि यहां पर जीरो वोल्टेज है, तो ये वाली प्लेट आ गई, इस ये प्लेट इस जीरो के साथ जुड़ जाएगी, तो इसका मतलब लो वोल्टेज जो है इसकी, ये वाली ये आ गई नेगेटिव पोटेंशियल आ गया आपका जीरो वोल्ट। ये जीरो जीरो बैटरी का ये वाला पोटेंशियल हो गया जीरो वोल्ट। अब मुझे अब नेचुरली है कि ये जीरो है, तो ये कितना होगा, अब लो से हाई चलोगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, तो ये जीरो हो गया, जीरो प्लस 15, तो ये वाली वोल्टेज आपकी बन जाएगी ऊपर वाली 15 वोल्ट। तो ये देखो वायर आ गई, तो यहां पर आ गया 15 वोल्ट, लेकिन यहां पर नहीं होगी 15, क्योंकि बीच में रेसिस्टर आ गया, तो मतलब सोचोगे ये आगे 15 हो गया, ऐसा नहीं। अब यहां तक हमें पता चला, और यहां पर देखो ये जीरो है, तो ये भी जीरो हो गया, ये जीरो है, तो ये वाली वोल्ट, ये वाली प्लेट आपकी जीरो वोल्टेज हो जाएगी। आगे देखो लो से हाई जा रहा हूं, तो जीरो प्लस 30 हो जाएगा आपका, ये प्लेट बन जाएगी आपकी 30 वोल्ट पर। यहां से ये वायर लगी हुई, तो ये भी हो जाएगा 30 वोल्ट। पहले अब ये लॉजिक समझो, अब देखो, अब मान लो यहां, अब ये आपके 15 वोल्ट है, ये वी है, सपोज करो कि ये हम लो वोल्टेज लेते हैं, सपोज यहां करंट जा रही है आई वन, यहां करंट जा रही है आई टू, आई वन इधर जा रही है, आई टू इधर जा रही है, और यहां कितनी जा रही है आई थ्री। तो यहां पर लगाओ आप केसीएल, अप्लाई केसीएल एट बी इस पॉइंट पर,
ये करंट कैसे निकालूंगा, तो करंट जारी ऐसे है, ये आएगा मेरा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये मेरा केस के जो पासा लगा, जितनी करंट एंटर होगी उतनी ही बाहर जाएगी। बस आप यहां जो लगाओ सॉरी ओम सा लगाइए, I1 क्या निकलेगी यहां से, यहां ये वोल्टेज हाई है 15 माइनस ये कितने में V, इसको मैंने निकालना है अपॉन रेजिस्टेंस कितना 6। I2 निकालो, I2 यहां से यहां आ रही है, ये हाई वोल्टेज हो गया 30 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 3 इज इक्वल टू I3। I3 में V माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 3। ये आप लॉजिक लगा लो यहां पर सिंपल। अब देखो यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं, ये बनेगा 15 माइनस वी अपॉन 2 30 माइनस वी इज इक्वल टू वी सी, मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आएगा 15 माइनस वी इज इक्वल टू, इसको उसे ले जाओ, ये बनेगा माइनस 30 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब v को इधर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 15 माइनस वी इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 4 वी। अब माइनस 4 वी और ये v है, तो इसको ऐसा लिया हो जाएगा 4 वी प्लस हो जाएगा, बनेगा 3 वी, तो ये बन जाएगा 3 वी इज इक्वल टू माइनस 60 और ये बन जाएगा कितना, इधर आएगा तो माइनस 75। आएगा आपका 15 माइनस वी इज इक्वल टू माइनस 60 और माइनस 4 वी, यहां पर आपका आ जाएगा 4 वी प्लस का 4 वी माइनस वी 3 वी माइनस 60 और माइनस, और वी यहां से निकल जाएगी आपकी माइनस 75 अपॉन 3, तो ये आएगा आपका माइनस 15। ये हमारे वोल्टेज निकली यहां पर माइनस 15 वोल्ट। अब यहां से आप करंट निकालो, यहां से हम करंट निकाल लेते हैं, करंट कितनी चलेगी, तो करंट जो आएगी हमारी वो निकलेगी आपकी, अब ये माइनस हो गया तो अब इधर से हाई पोटेंशियल ये होगा, ये लो हो गया, तो यहां से जो करंट चलेगी वो बनेगी 0 एक बंद वाला चक्कर करते हैं। I1 करंट आई 15 माइनस वी अपॉन 6 प्लस I2 आ गई 30 माइनस वी अपॉन 3 और ये आ गया आपका V माइनस 0 अपॉन 3। यहां तो क्लियर आ गया, तो 15 माइनस वी बाई यहां से आप एलसीएम ले लो, आप यहां बचेगा 3 एलसीएम ले लिया हमने, तो 2 प्लस 30 माइनस वी इज इक्वल टू वी। अब यहां जिसको भेजा आपने उस साइड वो बन गया माइनस 30 और माइनस 2 भी। अब यहां से देखिए इसको 2 को रिजर्व कीजिए, 15 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 4 है, और अब देखो ये इसको इस साइड माइनस बी और ये आएगा प्लस 3 उस इक्वल टू माइनस 60 माइनस 15 ठीक है। तो करंट अब आपकी निकलेगी यहां पर, ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल, तो फॉर्मूला हाई पोटेंशियल माइनस माइनस लो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 3, ये बना 15 बाई 3 इज इक्वल टू 5 एम्पीयर। ये हमारी करंट आपके लिए जैसे यहां पर हमने निकाला था वैसे यहां पर आया, सेम आंसर निकला। इसको हम बोलते हैं जैसे आपको अच्छी वाला मैथड, आपको एक पॉइंट को आपको अर्थ कर देते हैं, तो अर्थ का आपको अर्थिंग का लॉजिक होता है। अब देखिए एक और चीज, सपोज करो यहां पर थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता कुछ, जैसे ओम सर आपको फिर दोबारा समझे, मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉइंट है, इसकी वोल्टेज वी वन है, ये एक रेसिस्टर है आर, फिर एक बैटरी आ जाती है, इसकी वोल्टेज कुछ ले लेते हैं वी, और यहां पर कोई फाइनल वोल्टेज वी टू है, तो
तो सपोज करो यहां पर करंट चल रही है ऐसे आई वन, ये आई। अब मुझे अगर बोला जाता है कि अगर बीच में बैटरी भी आ जाती है, एक और बैटरी आ जाती है और रेसिस भी आ जाता है, फिर मुझे करंट कैसे निकालनी है? तो इसको कंसेप्ट समझने के लिए पहले आप वही कर रहे हैं कि पहले आप मान लो ये हो गया हाई पोटेंशियल, तो इसको लिखना है वी वन, फिर रेसिस को नहीं लिखना बीच में, ना ही वोल्टेज ड्रॉप। यहां से यहां आओ, ये वोल्टेज देखो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, प्लस लिखो, और एंड वाले वोल्टेज आगे आपकी लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस। मान लो अगर एक और ऐसे यहां पर होता तो आप उनको भी ऐड करके नीचे लिख लेते। ये पहले अपनी ध्यान रखे कि अगर आपके पास बीच में बैटरी भी आ जाए तो आपको करंट की डायरेक्शन पता है, तो आपको क्या करना है, ये हाई पोटेंशियल बीच में बैटरी की वोल्टेज अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो प्लस हो जाएगी, फाइनल वोल्टेज आपको माइनस कर देनी है लो पोटेंशियल और डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस। तो चलो इस सर्किट इस तरह का लॉजिक भी हम एक लगाते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एक 6 वोल्ट 9 वोल्ट ये सर्किट बनाते हैं, जैसे मान लो ये एक बैटरी है 6 वोल्ट की और यहां पर रेसिस लगा है 1 ओम का, यहां पर एक रेसिस है 3 ओम का, यहां पर एक रेसिस है 2 ओम का, यहां पर एक रेसिस है 3 ओम का, यहां पर एक बैटरी है 9 वोल्ट की। तो ये हो गया सर्किट सारा कंप्लीट। अब आगे बोला जाता है कि इसके बीच में से करंट निकालो, इसके बीच में से कितनी करंट निकलेगी? तो लॉजिक वही है, सपोज करो कि सबसे पहले करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं। ये देखो ये प्लस की बैटरी है, इधर से मान लो मैं करंट निकालता हूं आई वन, जितनी करंट निकालूंगा उतनी इसके अंदर एंटर करनी, पहले ये आप लॉजिक समझो। अब ये करंट इधर आई तो यहां से करंट की इसका मतलब यहां से भी करंट जो है वो कितनी चलेगी आई वन चलेगी। अब ये बैटरी है इसका देखो यहां से करंट आ गया आपकी आई टू, इसका मतलब यहां से अंदर भी जाएगी आई टू, मतलब इसमें से जो करंट जा रही है वो I2। अब मुझे ये वाले इसके क्रॉस करंट निकालने, तो वही मैं करूंगा कि इसको मान लो मैं कर देता हूं अर्थ, इसको मैं देता हूं 0 वोल्टेज, तो मुझे वही बताना है कि इस पॉइंट की वोल्टेज अगर पता चल जाए तो मैं इसके क्रॉस करंट निकाल सकता हूं। तो इसकी लाइट करो वोल्टेज में V ले लेता हूं, जो भी आप कंज्यूम करना चाहो कर सकते हो। अब आप वही लॉजिक लगाइए यहां पर कि यहां से मान लो आई टू करंट आ रही है, यहां से मान लो यहां पर करंट चल रही है आई थ्री, सपोज कीजिए यहां से आई टू एंटर पॉइंट, तो लगाओ यहां पर केसीएल। सबसे पहले केसीएल क्या कहता है कि एंटर कौन कौन सी करंट हो रही है, आई टू जाने वाली ये, इसका मतलब आई टू जो होगी वो तो बराबर होगी आई वन प्लस आई थ्री, और यहां से अब ये वाला लॉजिक लगाओ कि करंट की वैल्यू पुट कीजिए। देखिए आई टू, आई टू ये करंट है, तो ये जो यहां से स्टार्ट करना आपको ये वन पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, जैसे ये बोला लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल। अब पूरा सर्कल लेना आपको आई टू करंट के लिए, ये वाला लॉजिक लगाना। देखो ये आई टू करंट कहां चल रही है, इस लाइन में यहां तक आना है, यहां से स्टार्ट करना है, ये होगी हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल, क्यों? क्योंकि यहां से करंट चल रही है आपकी। तो आई टू को लगाओ पहले आएगा 0, ये वाला पहला पॉइंट हाई पोटेंशियल, फिर आओ रास्ते में रेसिस इसको भी देखना है, बैटरी आ गई, देखो आप राइट ऊपर जा रहे हो लो से हाई जा रहे हो प्लस 9 हो जाएगा, तो फाइनल यहां पर पहुंचे उसको माइनस भी ले लो लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस कितना था, एक 3 था और एक 2 है, बन गया 3 और 5, ये हो गया इज इक्वल टू आई वन। देखो आई वन यहां से यहां जा रही है, इसका मतलब ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल, रास्ते में बैटरी आ गई, लो से हाई चलोगे तो 6 हो जाएगा, फाइनल वोल्टेज 0 है तो -0 डिवाइडेड बाय रेसिस एक ही है सर्किट में 3 आया। आई थ्री देखो
यहां से यहां मैंने रिज्यूम किया तो ये वी फाइनल एक ही है, जीरो है, डिवाइडेड बाय रेसिस कितना है वन, तो वी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी चुप करके। देखिए 9 माइनस वी अपॉन 5 इज इक्वल टू वी प्लस 6 अपॉन 3 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लो, 9 माइनस वी अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसको इधर करो ये बन जाएगा 3v, 3v और 1v, 4v प्लस 6 अपॉन 3। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 27 माइनस 3v इज इक्वल टू 20v प्लस 3। ये देखो यहां से ये माइनस 3v है और ये आ गया 20v, इसको इधर ले जाओ मान जाएगा माइनस 23, इसको इधर ले जाओ 30 और 27 इधर ले जाओ बनेगा 3 और वोल्टेज बनी आपकी माइनस 3 अपॉन 23। ये वोल्टेज आपकी बन गई, इस v की वैल्यू आपकी निकली है माइनस 3 अपॉन 23 वोल्ट। अब यहां से करंट निकालनी है आपको, तो करंट जो होगी, अब यहां से देखो करंट जो होगी वो आपको पता है कि लो से, अब लो ये वोल्टेज होगी, ये लो वोल्टेज आएगी और ये हाई वोल्टेज आएगी, तो करंट निकलेगा आपकी 0 माइनस माइनस 3 अपॉन 23 अपॉन 1, 3 अपॉन 23। ये आप यहां से I3 का जो निकाल सकते हैं। तो इस तरह का सर्किट आप समझ सकते हो कि ये वाला लॉजिक आपको लगाना, ये ध्यान रखना है कि लॉजिक ऐसे लगता है, ये वाली आप पॉइंट याद रखें। होप्स आपको समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स की, फिर आपको समझ आएगी कैसे लॉजिक ही रहेगा आपका। एक आपको मैं और कंसेप्ट समझा देता हूं, ये भी कई बार बहुत यूज होता है, जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, इसके क्रॉस एक 3 ओम का रेसिस्टर लगा, सपोज कीजिए, तो मुझे बोला जाता है कि इसके भी क्रॉस आप करंट निकाल दें, तो करंट वही लॉजिक है, अगर जैसे बैटरी लगाई हुई है मैंने, तो मान लो ये 12 वोल्ट है, अब मान लो इसको मैं 12 इसको मैं प्लस 12 करता हूं तो इसको जीरो करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका 12 वोल्ट जो हो गया 0 वोल्ट, तो करंट आपकी ये निकल जाएगी, तो करंट आपकी निकल जाएगी हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज 12 माइनस 0 बाय 3 इज इक्वल टू 4 एम्पीयर। ये हमें आता है पहले का कैसे हम जो ओम सा लगाते हैं। अब सपोज कीजिए किसी सर्किट में क्या करता हूं कि ये बैटरी मेरे पास सेम 12 वोल्ट की, ये मेरे पास एक 3 ओम का रेसिस्टर है और मैं करता हूं कि यहां पर एक वायर लगा लेता हूं सीधा, सीधी तार लगा लेता हूं बिना रेसिस्टेंस के, इस वायर यहां पे वायर का मतलब होता है कि मैं जीरो रेसिस्टेंस होता नहीं है लेकिन हम मान के चलते हैं जीरो रेसिस्टेंस। अब वही लॉजिक आएगा कि जब वायर लगे, देखो ये अगर आप यहां पर वोल्टेज सपोज करो वी है, सपोज करते ये यहां भी होगी यहां में भी होगी, जब यहां भी होगी यहां में भी होगी क्योंकि बीच में रेसेस नहीं है, यहां भी है तो यहां में भी होगी, यहां भी है तो यहां में भी होगी, यहां भी है तो यहां में भी होगी। अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो करंट होगी, अब मान लो करंट जो होती है जो निकलेगी करंट, करंट हमेशा सपोज करो मैं यहां पर एक और रेसिस्टर लगा लेता हूं, एक और ले लेता हूं मान लो कोई 2 ओम का सपोज करो। अब लेकिन अब चलो समझाने के लिए ये भी है लेकिन ये भी नहीं होगा,
यहां पर वही करंट होगी जो ये बैटरी की वोल्टेज होगी वो यहां पर आएगी। मान लो हमने जीरो रखी है, ये लो ब्रांच जीरो किया तो जीरो आएगा, यहां पर वोल्टेज अलग हो जाएगी। लाइट कर मैं बी मान लिख लेता हूं क्योंकि बी में रेसिस्टर आ चुका है, लेकिन इस रेसिस्टर के क्रॉस, इस रेसिस्टर के क्रॉस आप क्या देख रहे हो कि वोल्टेज जो डिफरेंस है जो इधर वोल्टेज बी है इधर भी वोल्टेज बी है। अब इसका मतलब कि इसके क्रॉस करंट कितनी आएगी, इसके क्रॉस करंट कितनी बी माइनस बी बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, और इसमें कोई करंट नहीं चल रही है। और फिर जो करंट निकली बैटरी की वो कहां चलेगी, वो सारे के सारे करंट इधर से घूमकर इस रास्ते से वापस आ जाएगी। क्योंकि याद रखिए जो करंट होती है, करंट जो होती है वो हमेशा ऑलवेज फॉलो द इजिएस्ट पाथ, इजिएस्ट पाथ मतलब जहां पर कम रेजिस्टेंस हो। और देखो इन दोनों को कंपेरिजन करोगे तो इसमें तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए करंट सारी की सारी इस रास्ते से निकल जाएगी, इस रेसिस्टर से करंट जीरो निकलेगी। तो हम क्या बोलेंगे उस केस में कि ये जो रेसिस्टर है ये रेसिस्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब शॉर्ट हो गया, मतलब कि करंट है उससे निकली नहीं, करंट सारे के सारे इस साइड से निकलेगी। तो जब किसी रेसिस्टर से करंट जाना बिल्कुल बंद कर दे समझ लो कि वो शॉर्ट कर दिया। लेकिन इसका भी बड़ा फायदा होता है कि सर्किट सॉल्व करने में बड़ा काम आता है। सपोज करो कि आपको एक सर्किट समझाते हैं कि कहां पर यूज हो सकता है। ये देखिए एक सर्किट है, इसको हम सॉल्व करते हैं इसी कंसेप्ट से कि ये एक सर्किट दिया हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, फिर एक रेजिस्टेंस लगाया है और ये एक बैटरी है और इसके बीच में भी एक बैटरी लगा है। ये बैटरी है 6 वोल्ट की, ये है 4 वोल्ट की, ये है 8 वोल्ट की, ये है 5 ओम का रेसिस्टर। तो हमें पूछ रहा है 5 ओम के रेसिस्टर से करंट निकालिए, यहां पर कितनी करंट होगी। तो सबसे पहले आप यहां पर अर्थिंग वाला लॉजिक भी लग जाता है, अर्थिंग वाला लॉजिक से ये क्लियर होगा। ये देखिए अब मैंने आपको बताया कि यहां पर करंट निकालनी है तो आपको इन दो पॉइंट्स की वोल्टेज चाहिए सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं कि सपोज करो कि मैं इस पॉइंट को अर्थ कर देता हूं। देखो अर्थ आप उसी पॉइंट पर बोले यहां आपको लगे कि बैटरी रास्ते में है और रेसिस्टर नहीं है, वो आपके लिए इजी कन्वीनियंट रहेगा। आप देखो इसको जीरो किया तो ये वाली प्लेट होगी जीरो वोल्ट पर, आप इसकी फोर वोल्टेज है तो जब लो से हाई चलोगे तो जीरो प्लस फोर हो जाएगा आपका फोर, ये आ गई आपकी फोर वोल्टेज। अब यहां पर सिस्टर है इस तरफ में जाना, अब देखो फिर रास्ते में बैटरी मिल गई, आप समझो रहे हैं आप जो फोर है ना तो ये वाली प्लेट आ गई आपकी फोर वोल्ट। आप दोबारा देखो, देखो ये जो छोटी प्लेट है नेगेटिव प्लेट आएगी फोर पर तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 का, तब लो से हाई चलोगे वोल्टेज बढ़ जाएगी तो ये 6 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, तो यहां पर आएगा 10। आप देखो यहां पर पहुंचो ये वाली प्लेट 10 वोल्ट हो जाएगी क्योंकि बीच में रेसिस्टर नहीं है। अब हाई से लो जाओगे तो वोल्टेज घटेगी, अब 10 में से 8 माइनस कर दो तो बच जाएगा आपकी इधर ये वाली प्लेट बन जाएगा आपकी 2 वोल्ट, ये वाली प्लेट बन जाएगी 2 वोल्ट। अब देखो यहां से मुझे पता चल गया इस ये वाला पॉइंट 2 वोल्ट पर है, ये वाला पॉइंट 4 वोल्ट पर है। तो अब मुझे करंट जो चलेगी वो कैसे चलती है, करंट चलती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब करंट जा रही होगी इस तरफ, तो मैं ये वाली करंट निकाल लूंगा, करंट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस 4 माइनस 2 बाई 5 बनेगी 2 बाई 5 0.4 हो गया जी आपका आएगा करंट का सर्किट।
इस तरह बच्चों आपको अर्थिंग और लॉजिक लगाना है, जो बहुत ही इजी मेथड होता है और इससे आप काफी सर्कल सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिस करनी, ये नहीं कि क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको समझाना था, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस कीजिए। एक शॉर्ट सर्कल का और आपको समझा देता हूं मैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक सर्कल है, जैसे ये एक रेजिस्टर है, और ये मान लो 2 ओम का रेजिस्टर है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टर है। एक ये रेजिस्टर लगा लेता हूं, यहां पर बैटरी लगा लेते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी। ये 3 ओम का रेजिस्टर लगा लेता हूं मैं, तो मुझे बोला जाता है कि ये मान लो इस बैटरी से मैंने करंट निकाली आई, तो आई करंट कितनी होगी, कैलकुलेट द करंट गिवन बाय द बैटरी। अब आई निकली अगर इसके अंदर भी आई ही आई, तो अब ये सर्कल सॉल्व करने से मैंने मान लीजिए इसको ध्यान से देखो कि सपोज करो कि ये वाला जो पॉइंट है इसकी वोल्टेज सपोज करो वी वन है, मान लो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज होगी यहां पर। अब देखो ध्यान लगाओ, ये वी वन है तो देखो ध्यान से कि ये वाला देखो एक ही वायर आ गई, वायर जब वायर लगी तो समझ लो कि वोल्टेज सेम रहेगी, ये भी वी वन होगी। अब यहां पर देखो ये इधर चलोगे तो ये भी वायर आ गई, यहां भी वोल्टेज V1 होगी, तो यहां भी वोल्टेज V1 होगी। अब ध्यान लगाओ सर्कल को, देखो ध्यान से इन दोनों इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, मतलब कि ये दोनों रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो गए, यहां से करंट नहीं निकलेगी। जब यहां से करंट निकले तो करंट कहां से जाएगी, करंट आगे चलेगी यहां से आएगी, यहां से घूमेगी, यहां जाएगी और इधर आ जाएगी। इसका मतलब है कि मुझे ये तो लेने नहीं है सर्किट में, ये तो ऐसे बाहर हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो करंट निकालेगा सिंपल देखा, ये तो सर्किट वही बन जाएगा आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 6 और वहां सिस्टर से भी ये लेंगे क्योंकि इसी में से करंट जा रहा है, 2 ओम की जाती करंट। ये है आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक, या आपको पता चल सकता है कि शॉर्ट सर्किटिंग का अगर आपको लॉजिक आता है तो आप कितना इजीली किसी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो प्रैक्टिस करते रहिए, नीट और नीट के में इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रैक्टिस करोगे तो और सीखोगे, कमेंट करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन जय हिंद जय भारत।